नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन के नियम। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या नियमों में चेंजिंग आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। पेंशनर के लिए सरकार ने कुछ आसान नियम बना दिए गए हैं, जिनके तहत अब आप नज़दीकी डाकखाने से ही जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। पेंशन पाने वालों के लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है। दरअसल 1 अक्टूबर 2021 से ही पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा है। पेंशनर इस नियम को मानना बहुत ही जरूरी है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी हेड ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर यानी JPC में जमा करवाए जा सकेंगे। ऐसे पेंशनर जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है, वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा पाएंगे। 80 साल से नीचे के पेंशनर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस में अब जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। भारतीय डाक विभाग ने सभी पेंशनर से आग्रह किया है कि अगर जीवन प्रमाण सेंटर में ID बंद हो तो समय से एक्टिवेट करवा लें। सरकार की तरफ से जिन हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस में जीवन प्रमाण सेंटर नहीं है, वह फौरन यह सेंटर बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के अनुसार जीवन प्रमाण सेंटर बनाने के बाद ID एक्टिवेट करवानी होगी। यही काम पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर में भी होना चाहिए। इसकी अंतिम तारीख 20 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि वरिष्ठ नागरिक अब आसानी से निकटतम डाकघर CSC काउंटर पर जीवन प्रमाण सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे, जिसके लिए वेबसाइट भी दी गई है कि jeevanpraman.government.in। के अनुसार इस जीवन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए पेंशन प्राप्त करने वालों व्यक्तियों या तो व्यक्तिगत रूप से पेंशन वितरण एजेंसी जाना होगा या प्राधिकरण द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जहाँ वे अपनी सेवा दे चुकेंगे। इसे एजेंसियों को सौंप दिया गया है। विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भारत सरकार की पेंशनभोगी योजना के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइल करने के इस समस्या का समाधान करना चाहता है। तो इस उद्देश्य से ही प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा और इसी क्रम में इंडिया पोस्ट ने भी ये सुविधा दी है। आवेदन के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से 7738299899 पर SMS भेजना निकटतम जीवन प्रमाण केंद्र पर अपडेट ले सकते हैं। SMS के लिए टैक्स JPL पिन कोड होगा। पेंशनर को भी दिए गए पिन कोड को आसपास जीवन प्रमाण केंद्रों पर एक सूची मिलेगी। यह सूची मिलने के बाद आप अपने नज़दीकी सेंटर को चुनाव करोगे और वहां जाकर आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।